वाह वाह वाह, मान गए आपको डॉक्टर। मुझे तो लग रहा था कि अब आप इन सब से बच ही नहीं पाओगे। पुलिस आपको पकड़ लेगी, आपको मारते मारते पुलिस स्टेशन तक लेके जाएगी, ऐसा सोचा था मैंने। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ तो हुआ ही नहीं। आप तो सही सलामत बाहर आ गए, कैसे किया? लेकिन सच कहूं क्या, मुझे आप पर बहुत गुस्सा आ रहा है, क्योंकि आपने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। मुंह बंद करो अपना। तुमने नीलम को जहां पहुंचाया है, असल में वहां तुम्हें पहुंचाना चाहिए। अगर आपने ऐसा कुछ करने की कोशिश भी की ना, तो समझिए आपका खेल खत्म कर दूंगी मैं। ये देखिए, और इस वीडियो को मुझे पुलिस तक कैसे पहुंचाना है ना, उसका इंतजाम मैंने पहले ही कर रखा है। और आपने ही जयसिंह की बीवी का खून किया है, ये मैं साबित कर सकती हूँ। डिंपल, ये बहुत महंगा पड़ने वाला है तुम्हें। कौन है रे? मंगल बाबू, क्या खुसुर पुसुर लगा रखी है? अगर यहाँ पे चोरी करने के इरादे से आए हो तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी मैं। नहीं तो आया होगा वो कंपाउंडर, आया होगा किसी को बर्बाद करके। अरे नहीं अजी, मैं हूँ। मुझे नींद नहीं आ रही थी ना, तो मैं बाहर आ गई थी। चल अंदर। नींद नहीं आ रही है, बहुत काम करके थक जाती है ना, तभी तो तुम्हें नींद नहीं आ रही है। अरे कहाँ जा रहे हो आप? मुझे साहब के पास कंप्लेंट करनी है। रुकिए जरा, साहब अभी बिजी है। अरे मेरा जरूरी काम है, जाने दो मुझे। रुकिए कहाँ ना, साहब अभी उस लड़की के साथ कुछ जरूरी बात कर रहे हैं। अरे बैठ जाइए वहाँ पर। वो लोग हमारी जमीन हड़प कर रहे हैं, साहब हमारी मदद कीजिए। तुम्हें कितनी बार बोला है, वो सरकारी काम है, उसमें हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। सरकारी काम है तो क्या जबरदस्ती करेंगे? जब तक आप हमें न्याय नहीं दिलाते, तब तक मैं रोज यहाँ आऊंगी। राउत, इन्हें बाहर लेकर के जाओ। दीपा मैडम, इन्हें बाहर ले जाइए। चलो यहाँ से। रुकिए, मत कीजिए आप मदद, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगी और हमारी जमीन किसी को हड़पने भी नहीं दूंगी। ओ साहब, मेरी बीबी लापता। शांत हो जाइए, बैठिए, बैठकर बात कीजिए, बैठो। साहब, दो दिन हो चुके हैं, मेरी बीवी कहीं मिल नहीं रही है। क्या हुआ बेटा तुम्हें, आज भी तुम्हारा काम नहीं हुआ? देखिए ना, ये सरकारी काम है, इसलिए पुलिस भी कुछ मदद नहीं कर रही। इससे तुम्हें तो भगवान का अवतार ही बचा सकते हैं। तुम उनसे जाके मिलो, अपनी समस्या बताओ। कौन है भगवान का अवतार? डॉक्टर, ऐसे कहते हैं, उनके पास गया हुआ आदमी कभी खाली हाथ नहीं लौटता। तुम्हारी भी जरूर मदद करेंगे। कहाँ रहता है ये डॉक्टर? कातलवाड़ी। डॉक्टर, आप जल्दी आ गए तो बहुत अच्छा हुआ, मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही थी। अरे मंगल ताई, मैं कहीं नहीं गया था, मैं तो यहीं पर था, मेरे कमरे में ध्यान कर रहा था। हाँ, लेकिन हम जब आपके कमरे में आए थे तब आप नहीं थे। मंगल ताई, आप मेरे कमरे में आई थी? डॉक्टर, मैं नहीं, वो कॉन्ट्रैक्टर साहब, उन्हें मैंने कहा कि आप ध्यान कर रहे हैं, मत जाइए अंदर। रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी बात ही नहीं मानी। फिर वो आपके कमरे में चले गए और उनके पीछे पीछे मैं भी चली गई, लेकिन आप तो वहाँ नहीं थे डॉक्टर। वो जब मैं अपने गुरु के साथ होता हूँ तब किसी को दिखाई नहीं देता। अच्छा, वो रहने दीजिए, आप पूजा खत्म कर लीजिए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। हाँ, मैं कल यहाँ नहीं था, इस बात का पता उस जयसिंह को चल गया है। डॉक्टर, आप क्या हुआ डॉक्टर, और आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? मुझसे कोई भूल हो गई? कौन सी भूल जयसिंह भाई, पूछ रहे हो कौन सी भूल हो गई?
बहुत बड़ी गलती की है आपने। मैं जब ध्यान कर रहा था तब आप मेरे कमरे में आए थे। लेकिन आप तो वहाँ पर नहीं थे डॉक्टर। ऐसा आपको लग रहा है जयसिंह जी, मैं वहीं पर था, मेरा सिर्फ शरीर वहाँ पर नहीं था। मैं ध्यान कर रहा था और आपने उसमें बाधा डाली, इसकी सजा आपको भुगतनी पड़ेगी। वही तो भुगत रहा हूँ मैं डॉक्टर, मेरी बीवी नीलम है ना, कहीं गायब हो गई है। मुझे लगा वो आपके पास आई होगी, इसलिए मैं यहाँ आया था। आप जानते हो कि वो कहाँ है? जयसिंह जी आप ये क्या कह रहे हो, मैं अपने कमरे में था, ध्यान कर रहा था, मुझे कैसे पता होगा वो कहाँ है? हाँ मैंने उसे बहुत ढूंढा लेकिन कहीं भी नहीं मिल रही है वो, तो मैं पुलिस के पास गया। जयसिंह जी आपने ये क्या कर दिया, आप जानते हो आपने कितनी बड़ी बेवकूफी की है? क्या हुआ डॉक्टर? क्या हुआ, अगर कल जाकर आपकी बीवी नहीं मिली तो पुलिस सबसे पहले आप पर शक करेगी, वो आपको अरेस्ट कर लेगी। वैसे भी पूरा गांव जानता है आप अपनी बीवी से कैसा बर्ताव करते थे, फिर वो स्वप्निल वाला मामला भी बाहर आ जाएगा, आपके खिलाफ सबूत जुटाने में उन्हें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, फिर जेल में सड़ते रहोगे आप। हाँ डॉक्टर मुझसे गलती हो गई, ये सब मेरे ध्यान में आया ही नहीं, देखो मैंने तो इस सब के बारे में कभी सोचा ही नहीं। डॉक्टर मुझे बचाइए डॉक्टर, मुझे जेल नहीं जाना डॉक्टर। शांत 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 हो जाइए, आपको कुछ नहीं होगा, मैं जैसा कहूँ वैसा करना, कुछ दिन के लिए छुप जाओ, किसी के सामने मत आना, आपकी बीवी आ जाएगी तो मैं बताऊंगा आपको। हाँ ठीक है डॉक्टर, मैं कुछ दिनों के लिए कहीं छिप जाता हूँ। हाँ आज इस मौके पे मैंने एक बहुत ही जरूरी मीटिंग बुलाई है। क्यों बुलाई है मैंने? अरे सरपंच जी देखो डॉक्टर गायब हो गए हैं, कहीं मिल नहीं रहे हैं। हाँ वो हमारा गांव छोड़कर तो नहीं चले गए कहीं? मुझे नहीं लगता हमारे ये ऐसा कुछ भी करेंगे। हाँ मतलब ऐसे भाग जाएंगे, और भाग जाने के लिए हमने उनको ये थोड़ी दिया है, मतलब हमने उन्हें परेशान थोड़ी किया है। हाँ लेकिन मुझे क्या लगता है कि कहीं वो अपने गुरु की शरण में जाकर कहीं जीते जी समाधि तो नहीं ले लिया उन्होंने। ओ सरपंच जी, अरे क्या बोल रहे हैं आप, हा? क्या बोल रहे हैं? अगर डॉक्टर ने समाधि ले ली होगी तो गांव के लोग मेरी समाधि बना देंगे। ए नाम्या तेरा क्या संबंध? वो डॉक्टर से ही तो मुझे प्रेरणा मिलती है, अब अगर वही नहीं रहेंगे तो मुझे काम करने की प्रेरणा कहाँ से मिलेगी। हाँ मुझे तो लगता है ना ये डबल करने वाली स्कीम बंद करनी पड़ सकती है। अरे ओ नामिया सेठ आप क्या पागल हो गए हो, डॉक्टर आ जाएंगे, आप क्यों स्कीम बंद करने की बात कर रहे हो हैं? लेकिन डॉक्टर गए कहाँ हैं? क्यों रे सागर गोटिया? ए अभिजीत बोल। क्या रे टोनिया, क्यों रे तू नहीं जानता क्या, तू यही वाड़े में रहता है कि जंगल में? एक काम करो, इस विंश दादा को कहो मुझे एक चिप्स का पैकेट दे दे, फिर देखना मैं डॉक्टर को कैसे वापस ले आता हूँ। विंचा दे दे इसको जो चाहिए, मैं दे दूंगा पैसे। पक्का? दो दो। ये ले रे। कितने हैं? 1, 2, 3, 4। डॉक्टर आ गए वाड़े में, जाकर मिल लो सब। ए सागर गुटिया। ए, ए, अरे ए टोनिया। डिंपल ऐसे मेरी आंखों के सामने खड़ी मत रहो, गुस्से में आकर मैं क्या करूंगा मुझे भी पता नहीं, जाओ यहाँ से। अरे मैं तो पार्टनर हूँ ना आपकी डॉक्टर, ऐसे कितने दिन तक आप नाराज रहेंगे मुझसे, और वैसे भी आपकी डोर तो अब मेरे ही हाथ में है, मेरे हाथ की कठपुतली हो आप, मैं डोर खींचूंगी तब आप ही लोगे, मैं आपको नचाऊंगी और आपको नाचना होगा। ए, अपनी हाथ में रहो, टिंपल एक लफ्ज भी निकाला ना तो इधर ही मार दूंगा, याद रखना। क्या कहा आपने भी? मार दोगे मुझे? कैसे मारेंगे? एक मिनट, हाँ ऐसे मारोगे? अब आप ही बताइए इस वीडियो को वायरल करने में कितना समय लगेगा मुझे, और वैसे भी मैं मरने से बिल्कुल भी नहीं डरती हूँ, और हाँ अगर मैं मर भी गई ना तब भी ये वीडियो पुलिस और मीडिया के पास कैसे पहुँचाना है ना उसका इंतजाम मैंने पहले से ही कर रखा है। तो अब आप ही तय कीजिए मुझे मार डालना है या जिंदा रखना है। आइडिया डॉक्टर,
हम एक गेम खेलते हैं, वो चित या पट वाला। अगर चित आया तो आप मेरा खून करेंगे, और अगर पट आ गया ना तो आप फांसी पर चढ़ जाओगे। हाँ, हे भगवान, डॉक्टर पट आ गया है, मतलब आप फांसी पर चढ़ जाओगे। घर में कोई है? डॉक्टर, डॉक्टर घर में है क्या? कौन है यहाँ? कोई डॉक्टर डॉक्टर नहीं रहता है। भगवान के अवतार, तू भी आ गए उसकी बातों में? यहाँ कोई नहीं रहता है, और क्यों उस नीच इंसान के नाद में लग रही है? चली जा यहाँ से, नहीं तो बिना वजह तेरी जान खतरे में पड़ेगी। डॉक्टर, ओ डॉक्टर, मंगल भाभी, ओ मंगल भाभी, डॉक्टर कहाँ है? उनके कमरे में, मगर शायद दोबारा ध्यान में बैठे होंगे। मतलब आ तो गए ना? ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है डिंपल। मैं ज्यादा कर रही हूँ? अरे मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो सिर्फ आपके दिए हुए सिक्के के साथ खेल रही हूँ। क्या कहा था आपने मुझे? मैं एक रुपए की भी लायक नहीं हूँ। ये लो, इसी के लायक हो तुम, एक रुपए के। अभी मैं कितनी लायक हूँ ये तो पता चल गया होगा। बहुत अच्छी तरह। सच कहूँ तो मैं कितनी लायक हूँ ये आपको पता ही नहीं है। अब बताती हूँ आपको, चलो अब आप उठक बैठक कीजिए। क्या पागल हो गई हो? मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, निकलो यहाँ से। आप चाहते हो कि मेरे मोबाइल का डेटा जल्दी खत्म हो जाए? डॉक्टर, मुझे मोबाइल का डेटा बचाना था, इसीलिए ये वीडियो मैंने पुलिस को नहीं भेजा है अब तक। लेकिन अगर आपकी यही इच्छा है तो वो मैं पूरी कर देती हूँ। ये देखिए, भेज देती हूँ। अरे बाप रे, आप तो इंटरनेट से भी ज्यादा फास्ट हो। आपको क्या लगता था कि आप डिंपल पर भारी पड़ जाओगे? इस डिंपल पर? डिंपल को सिंपल नहीं समझने का डॉक्टर। बहुत दया आ रही है मुझे आप पर डॉक्टर। रहने दीजिए, रहने दीजिए, पैर में दर्द हो रहा होगा ना आपके, रहने दीजिए आप। अब मेरे पैर पकड़कर मुझसे माफी मांगिए। मुझसे कोई बड़ी आवाज में बात करिए, मुझसे सहा नहीं जाता। उसको मेरे पैरों तले कैसे लाना है वो मैं अच्छे से जानता हूं। कब पकड़ रही हो पैर? इन हरकतों से तुम अपनी मौत को नजदीक बुला रही हो, ऐसा नहीं लगता तुम्हें? और वैसे भी ज्यादा जिक्र क्या करना है डॉक्टर, चलिए पैर पकड़िए और माफी मांगिए, या वीडियो भेज दूं। अरे यहाँ पर पैर है मेरे, चलिए। गलती हो गई, माफ करो। क्या क्या कहा आपने? अरे जरा जोर से बोलिए, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ करो। ऐसे माफी मांगोगे तो बिल्कुल नहीं चलेगा। अब एक काम कीजिए आप, नाक रगड़ कर मुझसे माफी मांगिए। माफी मांगिए, डिंपल मुझे माफ कर दो।
अरे डॉक्टर, ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ, अरे आप तो मुझसे उम्र में इतने बड़े हैं, और आप मेरे पैर छू रहे हो, ये अच्छा लगता है क्या? अरे आप तो मेरे गुरु है ना। उठिए गुरु जी, चलिए। हाँ गुरु जी, चलिए अब आप मुझे दक्षिणा दीजिए, वो भी 5 लाख रुपए। 2 लाख प्रोड्यूसर के लिए और 3 लाख मेरे खुद के लिए। डिंपल, इतने पैसे नहीं है मेरे पास। क्या आपके पास पैसे नहीं है? मैंने अगर ठान ली ना तो आपके सारे पैसे ले सकती हूँ मैं। अरे इतनी सस्ती डील कर रही हूँ तो क्या प्रॉब्लम है आपको? है क्या कोई प्रॉब्लम? नहीं ना, तो पैसे दे रहे हो या? बाहर जाओ। क्यों? पैसे चाहिए ना। सच कहूं तो मैं आपके सारे पैसे लेने वाली थी, लेकिन बाद में ये ख्याल आया, इतने सारे पैसे मैं कहां रखूंगी। अब से आप एक काम कीजिएगा, जब जब मुझे पैसों की जरूरत पड़ेगी ना, तब आप मुझे दे दीजिएगा। अरे क्या हुआ, गुस्से से क्यों देख रहे हैं आप मुझे? आपको भी पैसे चाहिए क्या? देती हूँ, आपको नाराज नहीं करूंगी मैं। अब नहीं, ये सिक्का जैसे जमीन पर नाचा था ना, वैसे तुम्हें भी ना नचाया ना, तो याद रखना मेरा नाम डिंपल नहीं। मैं तो 1 रुपए के लायक थी ना, लेकिन आप तो उसके भी लायक नहीं हो। और हाँ, आज के बाद जो मैं कहूंगी वो आपको सुनना है और उतना ही करना है, वरना फांसी पर लटक जाओगे। मुझे भी डिंपल कहते हैं, ये एक वीडियो और डायरेक्ट फांसी। ये डॉक्टर अभी तक क्यों नहीं आए हैं? इस थैली के अंदर क्या है? तुम्हें क्यों बताऊं? चलो हटो। नहीं, पहले मुझे बताइए कि आप कहां गए थे और उस थैली में ऐसा क्या है? कौन हो तुम और क्यों बताऊं मैं तुम्हें? मैं कौन हूँ? मेरे पास आपका और नीलम का वीडियो है, आपको हमेशा के लिए जेल भेज सकती हूँ मैं। अच्छा, तुम ऐसा करोगी? करो टिंपल, अगर तुमने ऐसा किया ना तो मेरे साथ तुम भी जेल जाओ। वैसे भी तुम्हें मेरे साथ चलना था ना। डॉक्टर, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ डॉक्टर, मैं आपको हमेशा के लिए फंसा सकती हूँ, डायरेक्ट फांसी होगी आपको। ए, अपनी हद में रहो, मैं कौन हूं जानती हो ना? देवी सिंह, अब तक तुम जैसे कईयों को ऊपर भेज चुका हूं मैं, तुम क्या चीज हो? और तुम्हें क्या लगा तुमने एक खून किया है तो मुझसे भी होशियार बन गई? ये इस जन्म में तो मुमकिन नहीं है। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूं, आज के बाद अगर मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो हमेशा के लिए ऊपर भेज दूंगा। चलो हटो यहां से। इतना करने के बाद भी इस डॉक्टर की मस्ती कम नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही आपकी मस्ती निकाल दूंगी, देख लेना।
मुझे सिखाने चले हो ना, आपको जिंदगी भर का सबक नहीं सिखाया ना, तो याद रखना मेरा नाम डिंपल नहीं। अरे वाह, डॉक्टर तो पूजा कर रहे हैं। बस इसी का तो इंतजार था मुझे कि डॉक्टर कब पूजा करेंगे और कब मुझे उनके कमरे में जाने का मौका मिलेगा। कल थैली में क्या लेकर आए थे ना, ये ढूंढने का सही समय। ये डॉक्टर बहुत शातिर है, इतने से कमरे में क्या क्या छुपा कर रखेंगे ना, कुछ कहा नहीं जा सकता। इस अलमारी की चाबी भी इसी ड्रॉवर के अंदर होती है। ये डॉक्टर बहुत शातिर है, लगता है इन्होंने चाबी कहीं छुपा कर रखती है। लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं हूं डॉक्टर, थैली कहां रखी है ना, ये मैं ढूंढ कर ही रहूंगी। जरूर उस थैली में ऐसा कुछ होगा जिसकी वजह से अलमारी में छुपा कर रखी है, वरना डॉक्टर चाबी छुपा कर नहीं रखते। मेरी समझ में आ रहा है डॉक्टर, अब देखना आपको कैसे फंसाते हो। डॉक्टर, ओ डॉक्टर, डॉक्टर, अच्छा हुआ आप यहीं मिल गए। जयसिंह भाई क्या हो गया, सब ठीक तो है ना? अब कुछ भी ठीक नहीं है, वो नीलम अभी तक घर ही नहीं लौटी है। आप जानते हो कि वो कहाँ है? मुझे कैसे पता होगा? मुझे ऐसा पता चला है कि डॉक्टर, नीलम आखिरी बार आपसे मिलने आई थी और उसके बाद उसका कोई पता ही नहीं चला है। आप कुछ जानते हो क्या? हाँ, ये सच है कि वो मुझसे मिली थी, लेकिन आखिरी बार नहीं कह सकते। और यहाँ से वो घर चली गई थी, मतलब उन्होंने ही कहा था कि वो घर जा रही हैं। लेकिन वो तो घर ही नहीं आई डॉक्टर, मतलब मुझे बताइए ना प्लीज वो कहाँ है डॉक्टर। मतलब आपको तो मालूम होगा ना, आपके पास हर चीज का उपाय होता है ना डॉक्टर। बिल्कुल सच कहा आपने, डॉक्टर के पास सबका उपाय है। डॉक्टर, ये सारे कपड़े किसके हैं ये तो आप जानते होंगे ना? नहीं मतलब वो आपके कपड़े नहीं लगते हैं ना, वो आपके कपड़े धो रही थी तब मुझे ये मिले। किसके हैं ये? ये तो मेरे ही कपड़े हैं। बताइए डॉक्टर, इनके कपड़े आपके पास कैसे आ गए? वही मैं भी सोच रहा हूँ। नीलम मैडम यहाँ पर आई थी ना, शायद वो लेकर आई थी, भूल गई होंगी। हाँ, लेकिन वो मेरे कपड़े यहाँ लेकर क्यों आएगी? वही तो समझ में नहीं आ रहा है। कंगनी बाबा की साधना करने का समय हो गया है, मैं नीलम मैडम मिल जाए इसलिए उनसे प्रार्थना करूंगा, चलता हूँ मैं। अरे लेकिन डॉक्टर सुनो तो डॉक्टर। साहब, मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है, सच कहूँ क्या? मैंने आपकी बीवी को आखिरी बार डॉक्टर के साथ ही देखा था, मतलब डॉक्टर को पता ही होगा कि आपकी बीवी कहाँ है। हाँ, लेकिन वो तो ना बोल रहे हैं ना, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। क्या करूँ क्या मतलब, पुलिस के पास जाइए और कंप्लेन कीजिए, वो मैडम को ढूंढ निकालेंगे। हाँ, लेकिन पुलिस ने मुझ पर ही शक किया तो? देखो, डॉक्टर ने कहा है कि पुलिस के पास न जाऊं।
हाँ, लेकिन डॉक्टर ने कुछ बताया क्या कि आपकी बीवी कहाँ पर है? नहीं ना, मैं अगर आपकी जगह होती ना तो तुरंत जाकर कंप्लेन करा देती। अच्छा सुनिए, पुलिस के पास जाकर कंप्लेन करवाइए, वरना आपकी बीवी ऐसे नहीं मिलेगी। मैं गया था पुलिस के पास, अब उसे ढूंढने के लिए फिर से उनसे विनती करता हूँ। फोन है? हेलो, हाँ नामदेव बोल रहा हूँ। हाँ मैंने ही किया था। क्या सच में? क्या बढ़िया खबर सुनाई आपने। हाँ आता हूँ ना। हाँ तुरंत आता हूँ। ए गधे, अरे अरे पर हुआ क्या ये तो बता, तेरी भागी हुई बीवी लौट कर तो नहीं आ रही है ना? ए ए क्या, ए दामिया नाच क्यों रहे हो? पार्टी करना है, आज बैठेंगे हम लोग। अबे ए गधो, अरे हुआ क्या है वो तो पता करो, उसके पहले ही पार्टी की बात कर रहे हो? हाँ अरे ये इतना नाच रहा है मतलब कुछ अच्छा ही हुआ होगा ना? सिर्फ अच्छा नहीं हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। अरे वो क्रेडिट सोसाइटी वाला लोन पास हो गया है। अरे क्या बोल रहा है? साहब, यहाँ मैंने एक मिसिंग कंप्लेंट की थी, उसका क्या हुआ? किसकी? मेरी बीवी की, नीलम। आपने अपने रिश्तेदारों के यहाँ पूछताछ की? हाँ सबके पास पूछताछ की, उन सबको पूछा मैंने, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। आपका उनके साथ कोई झगड़ा हुआ था? नहीं साहब। आपका उनके साथ रिश्ता कैसा था? पति पत्नी जैसा। मेरा मतलब ये है कि जैसे आपको वो पसंद नहीं थी या उन्हें आप पसंद नहीं थे, ऐसा कुछ है? देखो साहब, मैं उसे ढूंढने के लिए कह रहा हूँ आपसे, तो आप उल्टा मुझ पर ही शक क्यों कर रहे हैं? देखिए, कई बार मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करने वाला ही गुनहगार होता है, ये आज तक का हमारा तजुर्बा है। देखो मुझे उसके साथ कोई लेना देना नहीं है, आप उसे ढूंढने में मेरी मदद करोगे या मैं कमिश्नर साहब को फोन लगाऊं? मतलब कि मेरी उनसे अच्छी पहचान है। देखिए हम अपना काम कर रहे हैं। चलिए ये बताइए, आपको किसी पर शक है? नहीं वो, हाँ लेकिन गांव में वो डॉक्टर है ना, वो नटवर सिंह, आखिरी बार उसी से मिलने गई थी। आखिरी बार मिलने गई थी, क्या मतलब है इसका? मतलब मैंने गांव में पूछताछ की तब मुझे पता चला कि वो डॉक्टर से मिलने गई थी और उसके बाद से वो गायब हो गई। ओके राउत। हाँ सर। गाड़ी निकालो, उन्हें मिलने चलते। अरे ओ डॉक्टर, 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 अरे ओ डॉक्टर। नाम है? क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? डॉक्टर, अरे वो क्रेडिट सोसाइटी वाला लोन पास हो गया। अरे वाह वाह वाह, बधाई हो, अच्छी खबर सुनाई। ये लीजिए। नाम है, मुझे क्यों दे रहे हो? पहले कंगनी बाबा के सामने रखो, ये सब उन्हीं की कृपा से तो हुआ है। सच का मंगल भाभी, ए डिंपल, टोनिया। नाम्या भैया, क्या हुआ, क्या हुआ, क्यों पुकार रहे थे? अरे मंगल भाभी, अरे मेरा लोन पास हो गया, ये लीजिए। वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। डॉक्टर, मैं जानती हूँ इन सब के पीछे आपका कुछ तो प्लान है, इसीलिए आप इतने खुश हो, लेकिन देख लेना ये खुशी आपके जल्द ही गम में बदल जाएगी। आइए आइए साहब आइए, ये 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 यही है वो नटवर सिंह, यही है। के हुआ जय सिंह भाई साहब, आप अट्ठे पुलिस काहे को लाए हो? इनकी बीवी मिसिंग हो गई और इनका ये कहना है कि आखिरी बार आपसे मिली थी और बाद में गायब हो गई। आपको पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन आना होगा। हाँ वो मुझसे मिलने आई थी, लेकिन उनके पति उन्हें परेशान करते हैं यही कहने आई थी, मुझे उन्हें समझाने के लिए कह रही थी। डॉक्टर, क्या हुआ डॉक्टर, क्या हुआ, पुलिस यहाँ पर क्यों आई है? अरे भैया, इनकी बीवी वो नीलम मैडम है ना, हाँ वो गायब हो गई है और ये हमारे डॉक्टर पर शक कर रहे हैं। ओ साहब, आप इनकी सुन रहे हो? ये कैसा इंसान है ये पूरा गांव जानता है, अपनी बीवी के साथ कैसा पेश आता है ना ये भी पूरा गांव जानता है। ए तू चुप बैठ, तुमसे किसी ने पूछा है क्या? आप शांत रहिए, आपकी सब सुनिए मैंने, उसे बोलने दो।
चलो बोलो। अरे बहुत घमंडी इंसान है ये, ज्यादा होशियार बनता है। अरे कहीं भी आओ देखता है ना ताऊ, कुछ भी बोल देता है अपनी बीवी को। ये कितना अपमान करता है, बहुत बेइज्जती करता है, हम सबने देखा ये। बजाय सच कह रहा है। एक बार तो इसने अपनी बीवी को सजा देने के लिए रात को घर से बाहर निकाल दिया था, इसीलिए तो वो डॉक्टर के पास मदद मांगने के लिए आती थी। रे ना मैं भाई सा, थारे को कितनी बार बोलूं मैं थारा डॉक्टर को नहीं, मेरा नाम नटवर सिंह है। अरे अरे पर आप तो हमारे डॉक्टर ही हो ना। हाँ इंस्पेक्टर साहब, नहीं 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 नहीं, आप है ना इसकी अच्छे से पूछताछ करो, सच अपने आप सामने आ जाएगा। हाँ नहीं नहीं, मुझे तो पूरा शक है इसी ने अपनी बीवी को गायब किया होगा। इस पर शक ना हो ना, इसलिए हमारे भगवान के अवतार का नाम ले रहा है ये। एक बार गुस्से में आकर बीवी को खींचते हुए ले गया था। इस पर आपको क्या कहना है? हाँ साहब, मैं उसे मारता था, मैं उसे भला बुरा भी बोलता था, लेकिन उसे मैंने गायब नहीं किया है। आधी बात तो आपने कबूल कर ली, बाकी का पुलिस स्टेशन में कबूल करोगे, और नहीं किया तो हम है ही। हवलदार ले चलो इन्हें। अरे अरे साहब, मैंने कुछ नहीं किया है। साहब मैंने कुछ नहीं किया है, डॉक्टर बताइए ना इन्हें। मेरी बीवी को तुमने ही गायब किया है, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। माफ कीजिए डॉक्टर, हम कहां आपको तकलीफ दी, लेकिन यहाँ नहीं आते तो सच सामने नहीं आता। कोई बात नहीं, आप तो अपना काम कर रहे हैं। अब मुझ पर भरोसा हो गया है, पुलिस को भी अब जयसिंह पर ही शक है, इसलिए अब कोई कभी मुझ तक पहुंच नहीं पाएगा, मुझे छू भी नहीं सकेगा। और उस डिंपल को क्या लगा, वो मुझे फंसाएगी और मैं फिर से फंस जाऊंगा। एक बात वो भूल रही है, मैं अब पहले वाला डॉक्टर नहीं हूं जो बार बार वही गलतियां दोहराता था। और नीलम जिस होटल में थी वहां भी अगर पूछताछ की तब भी सारा शक जयसिंह पर ही जाएगा, क्योंकि रूम उसके नाम से बुक थी। मतलब मुझ तक कभी कोई पहुंच ही नहीं पाएगा। बहुत खुशी हो रही होगी ना आपको कि आप इन सब चीजों से छूट चुके हो, लेकिन अभी आप जानते नहीं हो। डॉक्टर, ऐसा कुछ नहीं होगा। बहुत टेटर कर रही थी ना, तुम्हारी टेटर हमेशा के लिए खत्म करने का समय आ गया है। ये नामुमकिन है डॉक्टर, मैंने आपको पहले ही कहा था, अगर मुझे कुछ भी हुआ ना तो अगले ही पल आप जेल के अंदर जाओगे। और वैसे भी मैं किसी कच्चे गुरु की चेली नहीं हूँ। आपको क्या लगा उस कॉन्ट्रैक्टर को पुलिस स्टेशन में भेजना ही मेरी आखिरी चाल थी क्या? नहीं डॉक्टर, असली खेल तो अब शुरू होगा। अभी तो पहली चाल चली है मैंने, अब बहुत जल्द ही फिर से पुलिस वाड़े में आएगी और आपको लेके जाएगी। मुझे पार्टनर नहीं बनाया ना आपने, इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी आपको। अभी तो खेल शुरू हो रहा है, मतलब इसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? बोल, कहां गई तुम्हारी बीबी, कहां गायब कर दिया उसे? मैं सच बोल रहा हूं साहब,
मैंने कुछ नहीं किया, पता नहीं वो कहाँ चली गई, वो मैं नहीं जानता। जल्दी बोल। बोल। कमिश्नर साहब की धमकी इसीलिए दे रहा था ना हमें? हम सिर्फ तुम्हें छोड़कर औरों पर शक करें इसलिए? हमें बेवकूफ समझते हो तुम? जब वो गायब हो गई थी तब मैं आज था ही नहीं साहब। तो कहाँ थे तुम? क्या पूछ रहा हूँ मैं, बोल फटाफट। मुंबई में था मैं। मुंबई में थे? सबूत क्या है? है कोई सबूत? सबूत नहीं है साहब। सच? सच बोल, कहाँ थे तुम? मैं अपनी बीबी से बोल कर गया था कि मुंबई जा रहा हूँ, लेकिन मैं यही था मेरे मेरे मेरे, मेरे फार्म हाउस पर। वो मैं अपनी सहेली के साथ था। अच्छा? हाँ। बीवी को गायब किया और सहेली के साथ मजे लूट रहे थे, अच्छा प्लान था तुम्हारा। अब सच सच बोल, सहेली के लिए बीवी को रास्ते से हटाया ना? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं कैसे बताऊं आपको, मैं थोड़ा बुरे चलन वाला हूँ। मेरे बाहर बहुत से चक्कर हैं। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं अपनी बीबी से झगड़ा करता था। लेकिन मैंने मारा नहीं उसे। मारा नहीं मैंने उसे। मैं उस दिन भी अपनी सहेली के साथ ही था। हाँ, लेकिन उसका और मेरी बीबी के गायब होने का कोई संबंध नहीं है। वो तो हम ढूंढ निकालेंगे। चलो फार्म हाउस दिखाओ। किस लिए साहब? मैं अपनी शादी के लिए बुक करूंगा। दोगे? जितना का उतना कर। चल जल्दी से दिखा। ए भजिया नामिया, ए भजिया नामिया, इनके इस पे ये पहुंच गए। हैं? अरे मतलब, अरे वो कॉन्ट्रैक्टर के फार्म हाउस में ना पुलिस पहुंच गई है। क्या? हाँ भाई, अभी मुझे तो लगता है बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है। अरे क्या बोल रहा है तू विंचिया, हमें जाकर देखना चाहिए। हाँ, हाँ। अरे मेरा ये अभी नहीं, अभी दुकान बंद हो गया। नीलम मर गए लेकिन जाने से पहले माल दे कर गए। अब क्रेडिट सोसाइटी शुरू हो जाएगी तो वहां से भी पैसे आने शुरू हो जाएंगे, इसलिए नीलम की मौत से मेरा तो कुछ नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर डिंपल जिंदा रही तो मेरे लिए परेशानी का सबब बन सकती है। उसका कुछ तो करना ही पड़ेगा। ए, अरे दीदी जल्दी बाहर आओ। दीदी! अरे दीदी कहाँ गए आप? क्या हुआ, ऐसे चिल्ला रहा जैसे कोई भूत देख लिया हो? अरे तुम्हें पता नहीं क्या हो गया? अरे दीदी पूरे गांव में बातें चल रही है। अरे कौन था वो, क्या था उसका नाम? कॉन्ट्रैक्टर? हाँ। अरे उसकी बीवी और वो हमारे वाड़े में आते थे ना, तुम्हें पता है उसी कॉन्ट्रैक्टर के फार्मर हाउस पे पुलिस गई है। टोनिया? हाँ। फार्मर हाउस नहीं, फार्म हाउस होता है वो। हाँ वही वही। अरे वहाँ पे पुलिस गई है, पुलिस वालों को ऐसा शक है कि उस कॉन्ट्रैक्टर ने अपनी बीवी का खून किया है और उसकी बॉडी उसने उसी फार्म हाउस पे छुपाई है। लेकिन ये सब तो मुझे ही क्यों कह रहे हो? सिर्फ तुम्हें ही नहीं, मैं तो सबको कहता हुआ आ रहा था। रुको। मम्मी! अरे मम्मी, मम्मी! डॉक्टर, आप इतने इत्मीनान से बैठे हो, आपको टेंशन नहीं हो रही है ना? मतलब नीलम की बॉडी अगर फार्म हाउस पर मिल गई तो आपकी तो बैंड बच जाएगी, आप तो फंस जाओगे। हाँ उसकी फिक्र तुम मत करो, और उसकी डेड बॉडी फार्म हाउस पर मिलने के लिए वहाँ होनी भी तो चाहिए ना। वो बॉडी वहीं पर है। क्या? लग गया ना झटका। इसीलिए मैं कहती हूँ डिंपल को सिंपल नहीं समझने का। आपने नीलम की बॉडी जहाँ दफनाई थी ना, मैंने वहाँ से निकाल कर फार्म हाउस में छुपा दिया। सर, मुझे लगता है यहाँ पे खुदाई हुई है। वो तो वहाँ पर देखो कुछ मिलता है क्या।
पर अब तो जल्द ही वो पुलिस के हाथ भी लग जाएगी। आपका तो हो गया कल्याण, आपका खेल जल्द ही खलास। लाजी, अरे मिट्टी तो ढीली लग रही है। मतलब कहीं डिंपल ने सच में डेड बॉडी फार्म हाउस पर तो नहीं छुपा दी? साहब, यहाँ देखिए एक डेड बॉडी है। साहब, मैंने कुछ नहीं किया। बीवी का खून किया है, उसकी बॉडी यहाँ दफना कर रखी है और ऊपर से कह रहे हो कि मैंने कुछ नहीं किया। काले, आगे की कार्रवाई शुरू करो। अगर डेड बॉडी पुलिस के हाथ लग गई और उसके पेट में जो बच्चा है वो मेरा है, ये पता चलेगा तब मैं तो फंस जाऊंगा।